जी तो क्लास 7th हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट सॉल्विंग सेपरेट। उसने कहा है कि सॉल्व किए बगैर आपने सेपरेट करना है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन और ऑड नंबर्स के नंबर्स को हमने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर को सेपरेट करना है। आप लोगों को पता है कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 और सो ऑन। इन शॉर्ट वर्ड हम ये कह सकते हैं कि 2 का पूरा टेबल जो 2 पर डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स हैं, ठीक है, और जो 2 पर डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। ऐसे नंबर्स जो 2 पर डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर्स हैं, और ऐसे नंबर्स जो 2 पर डिवाइड होते हैं या 2 का टेबल है उसको हम क्या कहेंगे कि ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि ऑड नंबर्स कौन से हैं और इवन नंबर्स कौन से हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन है 4, 4, 1। अब आप लास्ट पे देखें कि इसके लास्ट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता तो ये ऑड नंबर है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऑड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 144। अब लास्ट पे आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 जो है वो 2 पे डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, क्योंकि ये 2 पे डिविजिबल है इसलिए हम क्या करेंगे, ये इवन नंबर्स है। अब लास्ट है, थर्ड है आपके पास 2, 4, 0, 1। अब इसके एंड पे भी 1 आ गया, तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। अब ये ऑड नंबर्स का है, अब इसके एंड पे भी 1 आ रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, ये भी हमारे पास ऑड नंबर्स का है। अब लास्ट में यहाँ पे देखें, ये भी 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 भी 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, ये भी ऑड नंबर का है। अब यहाँ पे इसके लास्ट पे 6 आ रहा है, तो ये इवन नंबर का होगा, हम इसको क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, ये हमारे पास किस में आ जाएगा, इवन नंबर्स में आ जाएगा। उसने कहा था कि आपने सॉल्व नहीं करना, बस आपने ये बताना है कि ये कौन सा जो है वो इवन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा ऑड नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने आपको पहचान बता दी है कि इवन और ऑड नंबर की क्या क्या पहचान होती है, तो उसी लिहाज से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, 2 पार्ट्स इसके रह गए हैं, आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।